खुदा हर किसी के पास नहीं जा सकता, खुदा हर किसी के पास नहीं जा सकता, इसके लिए उसने माँ बनाई। आपके पास आपकी मम्मी है तो भी किया, नहीं है तो भी किया, उसकी दुआएं ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहती है। तो रिस्पेक्ट योर मदर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ताकि देश में से वृद्धाश्रम कम हो। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो, तो लाइक मी, लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट मी। ओके, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है आसिफून। आज मदर्स डे स्पेशल ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री बनाती हूँ, जस्ट ओनली 5 रुपए में, वो भी विदाउट ओवन एंड डायरेक्ट फ्राई पैन में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये देख सकते हो 5 रुपए वाला ऐसा क्रीम का बिस्किट का पैकेट आता है, इसमें से 6 पीस निकलते हैं, तो उसको मैंने क्रश कर लिया है। मैं बोली जल्दी एक स्टेप आगे हो जाए एंड इसमें दूध ऐड करती हूँ। एंड दूध ऐड करके अभी इतना ऐड किया है, अगर लगता है तो फिर आपको बताती हूँ, और फिर इसको मिक्सर में क्रश कर लेती हूँ। मैं इसे मैंने कटोरी में निकाल लिया है। अभी इसमें ये बेकिंग पाउडर ऐड करती हूँ। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं हो तो फिर आप ये इनो भी ऐड कर सकते हो। वेरी इजी सिंपल तरीके से पेस्ट्री दिखाती हूँ। ना मैदा, ना सूजी, ना कुछ नहीं, ना चॉकलेट चाहिए, ना कोको पाउडर चाहिए, कुछ नहीं, जस्ट ओनली 5 रुपए में से आपको ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री दिखाती हूँ। मैं बोली थोड़ा मदर्स डे है तो स्पेशल तो बनता है। सो अभी अगर आपके पास बटर पेपर हो तो बटर पेपर में डाल, बटर पेपर पहले लगाना, मतलब ऑयल लगाना एंड इसके ऊपर बटर पेपर एंड फिर ये बैटर डालना। बट अगर मेरे पास बटर पेपर आज नहीं है, खत्म हो गया है, सो मैंने ये तवे को ऑयल से ग्रीस किया है एंड मैं इसमें ये डाल देती हूँ। मैं निकाल लिया है। अभी इधर मैंने क्या किया, एक दूसरा जो हमारा नॉर्मली तवा रहता है वो गर्म करने को पहले से रख दिया था, बिकॉज डायरेक्ट इसको इस पे नहीं डालने रखने का। तो अभी इसको मीडियम गैस पे ये रखती हूँ एंड इसको ढक देना। ढक के जो हमारा ये बेस बन जाता है तो वो आपको दिखाती हूँ। एंड पेस्ट्री जस्ट ओनली 5 रुपए में, विदाउट कोको पाउडर, विदाउट मैदा, विदाउट शुगर, शुगर भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इसमें बिस्कुट मीठे रहते हैं तो शुगर भी यूज नहीं किया एंड कोई एसेस भी यूज नहीं किया, बिकॉज बिस्कुट का अपना ही फ्लेवर रहता है। अगर आपको एड करना हो तो वेनिला एसेस एड कर सकते हो। तो इसको मीडियम गैस पे पकने देती हूँ एंड फिर हाँ, और व्हिप क्रीम भी यूज करने नहीं वाले है। विदाउट व्हिप क्रीम का ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री बताती हूँ। तो ये पूरा वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं एंड जस्ट ओनली 5 रुपए का बिस्किट का मैंने यूज किया है। तो इसको पकने देती हूँ एंड फिर आगे आपको क्या करने के वो बताती हूँ। आप देख सकते हो हमारा बेस पक गया है, अभी ढक देती हूँ एंड इजीली ऊपर भी पक गया है, तो इसको कुछ पलटने का कि इतना कुछ टेंशन नहीं है। तो इसको ढक देती हूँ, फिर जरा ठंडा होता है ना तो फिर आपको सब दिखाती हूँ। हमारा पेस्ट्री का जो बेस था वो पक के रेडी हो गया है। तो इसको मैंने क्या किया, गोल था तो कट कर लिया है एंड चौरस इसको कर लिया है। ये पिसी हुई शक्कर है। अब मैंने बोली आपको व्हिप क्रीम हमारे पास है नहीं तो व्हिप क्रीम बताती हूँ। तो ये बटर है तो बटर को अच्छे से बीट करने का है। तो कुछ भी हमको ऐसे मिक्सर में के उससे नहीं करने का, इससे अच्छे से घुमा घुमा के करने का है। एंड रूम टेम्परेचर पर बटर भी चाहिए, बहुत फ्रिज का ये भी नहीं चाहिए, तो इसका कलर अपने आप चेंज होने लगेगा। तो अभी थोड़ा ऐसा मिक्स करती हूँ, आपको देख सकते हो बटर को मैंने बीट कर करके उसका कलर पूरा चेंज हो गया है और एकदम क्रीमीनेस आ गई है। अभी ये स्टेज पे हमने इसमें पीसी हुई शक्कर ऐड करती हूँ। एक साथ ऐड मत करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना। तो इसको भी अच्छे से बीट करती हूँ। तो मुझे याद से कमेंट में बताना कि आपको ये 5 रुपए में ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी। व्हिप क्रीम भी हमारे पास नहीं है, बिकॉज अभी जो बेकरी खुली है ना उसमें मोजरेला चीज अवेलेबल नहीं है। पिज्जा का बेस किधर मिलता है किधर नहीं मिलता, बहुत चीजें अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए मैं बोले ये पेस्ट्री भी घर में मदर्स डे तो मम्मी के लिए बनाती हूँ। अच्छे से बीट करना, कम सामान में हम कैसे बना सकते हैं आपको पता है, सब सब करती हूँ। तो अच्छे से बीट करती हूँ, अच्छा हो गया है ऐसा, कुछ देखो गिरता नहीं है। वो व्हिप क्रीम का ऐसा रहता है कि अगर ऐसा गिरे ना तो वो अच्छा नहीं रहता, ऐसा होना चाहिए। बस तो अभी मैं बोली थोड़ा और कर लू, तो जरूरी नहीं हमारे पास व्हिप क्रीम हो, और बटर भी जरूरी नहीं अमूल का हो। मेरे चैनल पे है बटर, आज मेरे पास नहीं था, तो वो घर के बटर से भी हम वैसे व्हिप क्रीम बना सकते हैं। मुझे कमेंट आया था कि वीडियो अलग से वीडियो बना,
बट अभी मुझे टाइम नहीं मिलता है। और एक व्हीप क्रीम थोड़े दिन पहले मैंने मेरे चैनल पे दिखाई है मेदे में से, वो भी बहुत इजी एंड सिंपल है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। बट ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट में क्या रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन रहता है, तो वो मैंने जो दिखाए थे क्या बोलते हैं व्हीप क्रीम, वो ब्लैक मतलब चॉकलेट फ्लेवर में दिखाया था, तो इसके लिए मैं बोली अच्छा देख सकती हूँ नजदीक से। किसी को यकीन नहीं आएगा कि विदाउट व्हीप क्रीम का ये क्रीम है, देख सकते हो क्रीम बाहर जैसा, देख सकते हो ड्रॉप्स भी नहीं गिरता। मतलब हमारे पास बीटर मशीन नहीं है, बाहर की कोई ऐसी व्हीप क्रीम नहीं, गर मतलब बटर से देख सकते हो ऐसा, हमेशा जो बटर रहता है व्हीप क्रीम वो हमेशा ऐसी चाहिए एकदम, देख सकते हो सेम ऐसा चाहिए। तो अभी ये स्टेज पे क्या करती हूँ, ये जो हमारी पेस्ट्री का है इसके ऊपर ये लगाती हूँ। और हमेशा केक या फिर पेस्ट्री के ऊपर आप व्हीप क्रीम लगाओ तो ठंडा होना चाहिए बेस, कभी गर्म के ऊपर मत लगाना, तो ये टिप्स भी आप याद रखना। तो 5 रुपए में ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, इस भी लॉकडाउन और इतनी महंगाई के जमाने में मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ ताकि किसी को उनके बच्चों के लिए उनके परिवार के लिए बनाना हो तो इजिली बनाए। मेरा मन था बिकॉज अगले साल हम गुजरात में थे, तो फिर भाई और मम्मी और मासी के लिए वो केक लाए थे, हम काटे थे, सेलिब्रेट किए थे मदर्स डे, तो आज मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ बनाऊं, मम्मी ना बोल रही थी तो भी मैंने तो बनाया। ये स्टेज हुआ, अभी इसको वापस कट करती हूँ। बहुत बड़ी पेस्ट्री नहीं बनाई, जस्ट मुझे दिखाने का था, वीडियो शूट करने का था, तो फिर मैं बोली इसके भी पहले एक कुछ पीस हो, मम्मी को बोली, बट तुमने बोली मैं वीडियो शूट करूंगी। इसका डेकोरेशन भी करती हूँ, एक सेकंड ये मैंने लगा लिया है, इसके ऊपर ये जो डेरी मिल्क हमारी आती है वो डालती हूँ, बिकॉज पेस्ट्री के ऊपर ये लगा हुआ रहता है डेरी मिल्क का क्रस। तो मुझे ऐसे कमेंट में बताना है कि आपको 5 रुपये में ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी। मैं मेरे स्टाइल से जो मुझे आता है वैसा मैं करती हूँ। इसके ऊपर कौन से मैंने ये फ्लावर बनाने का ट्राई किया था, तो मेरे पास वो तो पाइपिंग बैग वो तो है नहीं, इसके ऊपर लास्ट में चेरी डालते हैं, बट अभी चेरी नहीं है तो ऑप्शन में रेड कलर की टूटी फूटी लगा लेती हूँ। सो आई होप सो आपको 5 रुपये में ये ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री अच्छी लगी हो। अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना एसएफून डेटा, एंड सब्सक्राइब एंड बेल का निशान जरूर दबाना, बिकॉज हमारे पास व्हीप क्रीम पाइपिंग बैग कुछ मेरे पास नहीं है, और अभी सब दुकानें वो बंद है तो इतना मार्केट में भी सब चीजें नहीं, यहाँ तक बेकरी में चीज भी नहीं मिल रहा है। सो लुक वेरी नाइस एंड प्रीटी, तो विश यू ए वेरी हैप्पी मदर्स डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना आसिफ डेडा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।